हेलो दोस्तों, तो आज की नई रेसिपी है शाम की छोटी छोटी भूख जो होती है ना, उसके लिए स्नैक। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कप ऑल पर्पस फ्लावर, 5 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स कर लें इन सबको। और अब हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और अब सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और अब मिक्सचर को अपने हाथ में ऐसे उठा के प्रेस करके देखें, अगर वो बंध रहा है, जैसे बॉल टाइप का बन रहा हो, तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लें। और अब आप देख सकते हैं हाथ में ये ऐसे बॉल की तरह बन रहा है। और अब आप इसमें पानी डालें और अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लें। एक तिहाई कप पानी डालें और अच्छा सा डो तैयार कर लें। तो अब डो तैयार है और अब इसे हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और अब थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लें और उस डो को इसके ऊपर डालें। और अच्छे से रोल कर लें। अब ये रोल हो चुका है, अब एक चाकू की हेल्प से इसके किनारों को काट लें कुछ इस तरीके से। अब इसे बीच में से काट लें। अब हम लोग को इसे बो की शेप देना है, तो बीच में से इसे प्रेस कर लें कुछ इस तरीके से। अब ये एक बोगी शेप में आ चुका है। बाकी भी ऐसे ही बना ले। और अब चलते हैं फ्राइंग के तरफ। और अब एक पैन में तेल गरम कर ले और सारे बोज को इसमें डाल लें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तो गाइज, अब ये सारे हो चुके हैं, इन्हें निकाल लें और बाकियों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। अब ये रेडी है, एकदम क्रंची एंड टेस्टी। और अब जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।